नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ हत्याएं का मामला सामने आ रहा है और ये हत्याएं और मर्डर रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए इस खबर पर पूरी नजर डालते हैं। मेरठ के तीन गांवों में 10 घंटे के अंदर हत्या की तीन दुस्साहसिक वारदात से जिला दहल गया। सोमवार को रोहटा गाँव में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी नीलम, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, कि बेटे के सामने ही गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वहीं जंगेठी गांव में बिपिन उर्फ बली, जिसकी उम्र 32 साल है, उसकी गर्दन काटकर सब जंगल में फेंक दिया गया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस प्रेम प्रसंग और जमीन के रुपए से जुड़े बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं पड़ोसी युवक और उसके मौसेरे भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बिपिन अविवाहित था और परिवार से अलग रहता था। तीसरी वारदात हस्तिनापुर के कुंडा गांव में हुई, जहां बिट्टू उर्फ कालिया, जिसकी उम्र 24 है, उसको ईंट से कूंच कर मार डाला गया। बिट्टू का शव करीब 8 बजे गांव के जंगल में मिला। उसके चेहरे पर प्रहार किए गए थे। एसपी देहात का कहना है कि रविवार को बिट्टू का भाई से विवाद हुआ था। पुलिस का शक भाई पर भी है। परिजनों ने पड़ोसी को कत्लों के नामजद किया है। उसी तरह एक और घटना है, कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के गांव जंगेठी में बिपिन, जिसकी उम्र 32, की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह उसका शव गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। इस मामले में पुलिस पारिवारिक विवाद, प्रेम प्रसंग और जमीन से जुड़े लेन देन सहित अन्य बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है। बिपिन उर्फ बाली परिवार से अलग दूसरे मकान में रहता था। रविवार दोपहर से वह लापता था। सोमवार सुबह बिपिन का शव खून से लथपथ ओमपाल के नलकूप के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला। बिपिन के गले पर धारदार हथियार के निशान थे। सूचना मिलने पर सीओ दौराला आशीष पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि बिपिन अविवाहित था और 6 भाइयों में 5वें नंबर का था। फिलहाल बिपिन कोई काम नहीं करता था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। मौके से नमकीन और शराब के खाली पवे भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस का मानना है कि बिपिन की हत्या में किसी परिचित का हाथ है। पहले बिपिन ने हत्यारोपी के साथ शराब पी होगी और मौका पाते ही बिपिन का गला रेत दिया गया। संभावना है कि बिपिन इतनी दूर खेत पर शराब पीने किसी जानकार के साथ ही आया होगा। पुलिस उसके फोन की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। जंगेठी गांव निवासी बिपिन नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में वंचित था। उस पर कंकड़खेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज है। वहीं पुलिस को जानकारी मिली है कि बिपिन को रेलवे द्वारा अधिग्रहण के बाद जमीन का कुछ मुआवजा भी मिला था और एक सप्ताह पहले ही उसने अपनी कुछ जमीन एक युवक को 3.5 लाख रुपए में बेची है। पुलिस इस मामले को जोड़कर भी घटना की जांच कर रही है। बिपिन की गर्दन पर धारदार हथियार के गहरे घाव मिले हैं। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। तीनों टीमें जांच में लगाई गई हैं। ये विनीत भटनागर, जो कि एसपी सिटी हैं, उन्होंने जानकारी दी है। दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।